आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। लखीमपुर खीरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने डाला वोट। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर से बड़ी खबर, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने डाला वोट। जनता से की वोट की अपील, अपने गांव बनवीरपुर में डाला वोट। लखीमपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने डाला वोट। जनता से की वोट की अपील, अपने गांव बनवीरपुर में डाला वोट। लखीमपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आज लखीमपुर में भी चौथे चरण में मतदान हो रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने डाला वोट, काफी चर्चा में रहे। लखीमपुर कांड के बाद से ही विपक्ष के निशाने पर भी रहे, अपने गांव बनवीरपुर में अपने मत का किया प्रयोग। बड़ी खबर सामने आ रही है लखीमपुर से, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने डाला वोट। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद रेखा अरुणा वर्मा ने किया मतदान। लखीमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सांसद रेखा अरुणा वर्मा ने किया मतदान। जनता से की वोट की अपील, सुबह से ही वोटिंग जारी है लखीमपुर में। आज जनता अपने मत का प्रयोग कर रही है। लखीमपुर काफी हॉट सीट मानी जा रही है, खासतौर से लखीमपुर खीरी कांड के बाद से ही। फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, मतदान के लिए लंबी कतारें दिखी, यूपी में चौथे चरण का हो रहा मतदान। सुबह 7 बजे से चल रही मतदान प्रक्रिया, बड़ी खबर सामने आ रही है, मतदाताओं के चेहरों पर दिखाई पड़ी खुशी। मतदान को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन सख्त, बिना मास्क के बूथ के अंदर जाना हुआ निषेध। मोबाइल का प्रयोग भी पूरी तरह निषेध। लोकतंत्र के महापर्व पर लोगों में खुशी का माहौल। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ मध्य विधानसभा में मशीन खराब। गन्ना संस्थान डालीबाग स्थित बूथ संख्या 301 पर खराब हुई ईवीएम मशीन। ईवीएम खराब होने से देर से शुरू हुआ मतदान। शिकायत करने पर ठीक की गई मशीन। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईवीएम खराब होने की खबर आई सामने। फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी पर सड़कों पर पसरा सन्नाटा। मतदान के कारण सड़कों पर पसरा सन्नाटा, मतदान करने वाले ही लोग दिखाई पड़ रहे रोड पर। फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी पर सड़कों पर पसरा सन्नाटा। मतदान के कारण सड़कों पर पसरा सन्नाटा, मतदान करने वाले लोग ही सड़कों पर दिखाई दे रहे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने किया मतदान। पूरे परिवार के साथ किया मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने किया मतदान। पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है,
मुख्यमंत्री के सचिव अमित सिंह ने पत्नी के साथ किया मतदान। सरोजनी नायडू मार्ग के लखनऊ कॉलेज बूथ पर किया मतदान। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री के सचिव अमित सिंह ने पत्नी के साथ किया मतदान। सरोजनी नायडू मार्ग के लखनऊ कॉलेज बूथ पर किया मतदान। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री के सचिव ने पत्नी के साथ किया मतदान। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने किया मतदान। बड़ी खबर सामने आ रही है, पत्नी आईएएस डिंपल वर्मा के साथ किया मतदान। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने किया मतदान। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ पश्चिम में मतदान करने पहुंचे मौलाना खालिद रशीद फरंगी। ऑक्सफोर्ड इंटर कॉलेज जौहरी मोहल्ला चौक में किया मतदान। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, लखनऊ पश्चिम में मतदान करने पहुंचे मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली। ऑक्सफोर्ड इंटर कॉलेज जौहरी मोहल्ला चौक में किया मतदान। लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जो कई बड़े नेताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। लखनऊ पश्चिम में मतदान करने पहुंचे मौलाना। ऑक्सफोर्ड इंटर कॉलेज जौहरी मोहल्ला चौक में किया मतदान। तो सभी प्रत्याशी से लेके जनता तक अपने मत का प्रयोग करें। वहीं अमरेश कुमार रावत ने भी अपना मतदान किया और जनता से क्या कुछ अपील करी है आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र के महापर्व में सभी लोग मताधिकार का प्रयोग करें। हमने अपना वोट डाल दिया है और लोकतंत्र के महापर्व में राष्ट्रहित में सभी लोग वोट करें। सभी मताधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज कई दिग्गजों की साख दांव पर है। कई दिग्गजों ने अपने मत का प्रयोग भी कर लिया है। सुबह सुबह मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मत का प्रयोग करते हुए कई दिग्गज नजर आए। मायावती, डिप्टी सीएम राजनाथ सिंह, सभी ने अपने मत का प्रयोग किया है और कई अहम जिले हैं जहां पे आज मतदान हो रहा है और इन 59 सीटों पर चुनाव आज हो रहा है, जहां शाम 6 बजे तक ये मतदान जारी रहेगा। तो वही सुबह से ही 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पे लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। और अब आपको सीधे लेके चलते हैं सरोजनी नगर, जहां पे हमारे संवाददाता जहर खान मौजूद है और जनता से, ग्रामीणों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ संवाददाता अजहर जुड़े हुए हैं। सभा का चुनाव अपने चौथे चरण पर पहुंच चुका है और बात करें राजधानी लखनऊ की, तो यहां पर 9 सीटों में चुनाव होने हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो अभी अपने मतदान का प्रयोग करके आए हैं और हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे आखिर किन मुद्दों को लेकर इन्होंने वोट दिया और आखिर किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए। हमारे बदाली खेड़ा पानी की निकासी नहीं है, बिजली का जाल फैला हुआ है, उसको हटाने के लिए पानी की निकासी के लिए। अच्छा, क्या लगता है विकास को लेकर कौन सी सरकार इस बार काम करने के लिए पूरी तरह से उसने वादे किए हैं, कि कौन सरकार विकास पर काम कर रही है? जरेश भाई की तरफ से हम वोट कर रहे हैं और हमारे बदाली खेड़ा का पानी की निकासी और जाल का जो है व्यवस्था बनाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम रजत पांडे। किन मुद्दों को जहन में रखते हुए वोट देने पहुँचे हैं? भैया बिजली पानी एक ही निकाल। क्या नाम है आपका? दयाराम चौरसिया। अच्छा, किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आज यहाँ पर आप पहुँचे?
क्या लगता है कौन सी सरकार विकास करेगी? क्या है कौन सी सरकार? जलील भाई तुमने जो है देखो, हमारे साथ कुछ और आदमी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। सर क्या कुछ ध्यान में रख के आज आप वोटिंग करने आ रहे हैं? जो महंगाई हुई, बेरोजगारी हुई, तो इन मुद्दों पे जो है सरकार ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ वादे किए और लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाया। ये सब सोच के मैंने जो है बदलाव के लिए बोला। अच्छा क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी जो इन तमाम मुद्दों पे काम करेगी? इसको लग रहा है आपकी कौन सरकार इस तमाम चीज़ों पे काम करेगी? देखिए अखिलेश की जो सरकार है, पिछले 5 साल पिछली बार जब थी अखिलेश की सरकार, उन्होंने काफ़ी विकास किया। उन्होंने मेट्रो बनाई, स्टेडियम बनाया, गांधी नगर रिवर फ्रंट बनाया, काफ़ी विकास के काम किए हैं। उन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए हैं। रोड गड्ढा मुक्त के लिए इन्हीं ने कहा था, सारे रोड पे गड्ढे हैं, कहीं कोई काम नहीं, सिर्फ पोस्टरों में सिर्फ जो है विकास हुआ है उनका और कुछ नहीं। इसलिए मैं बदलाव के लिए वोट करूँगा। जाना है आपका, किन किन मुद्दों को लेकर आप आज वोटिंग करने पहुंचे हैं? क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी तो लोगों का कल्याण करेगी? सरकार नया आना चाहिए, नया आना चाहिए, बदलाव चाह रहे हैं, बदलाव चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग विकास को लेकर और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे वो सड़क का मुद्दा हो, लेकर तमाम तरह से लोग आज यहाँ पे वोटिंग करने पहुँचे हैं। और लोग काफ़ी, लोगों का कहना है कि अब इन 5 सालों के बाद अब कहीं ना कहीं लोग बदलाव चाहते हैं। लखनऊ से अजहर खान, प्राइम टीवी। सरोजनी नगर के बूथ पर पहुंचकर ग्रामीणों से बात करी, उनसे जाना कि वो किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट दे रहे हैं, क्योंकि सभी का एक कोई ना कोई मुद्दा होता है। हर मतदाता किसी ना किसी परेशानी से जूझ रहा होता है या फिर सरकार के किसी काम से खुश होता है, उसी को देखते हुए वोट की अपील करता है और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजधानी से लेकर हर तहसील